नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विहुल पांडे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण में 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके हैं और मतदान केंद्र पर आ रहे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। जिस तरीके से आपको बता दें कि इस बार बागमंडी सीट पर कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार नेपाल महतो के किस्मत दांव पर लगी है, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक ने देवरंजन महतो को उम्मीदवार बनाया है। एसजेएसयू पार्टी की ओर से आशुतोष महतो हैं, उन्हें वो उम्मीदवार होंगे। वहीं टीएमसी से सुशांत महतो किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण के में आपको बताएं कि पुरुलिया और झारग्राम जिले की सभी सीटों पर मतदान जारी है। टीएमसी पुरुलिया की जयपुर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने खामियों के चलते उसके उम्मीदवार उज्जवल कुमार का नामांकन रद्द कर दिया था। वहीं भाजपा ने बागमंडी सीट झारखंड में अपने गठबंधन सहयोगियों जो कि एसजेएसयू के लिए छोड़ी है, और पुरुलिया में हो रहे चुनाव में 30 सीटों में पटाशपुर, भगवानपुर, खिजुड़ी, कांथी उत्तर, कांथी दक्षिण, एगरा, रामनगर, बीनपुर, गोपल्ली, भरपुर और झारग्राम, नयाग्राम, केशरी, गड़बेता, सालबनी, खड़गपुर, मेदिनीपुर, दांतन, बंदवान, बलरामपुर, जयपुर, पुरुलिया, बांघमुंडी, मानबाजार, पारा, रघुनाथपुर, काशीपुर, सालतोरा, रानीबाद, रायपुर और छात्ता शामिल हैं। इनमें पुरुलिया की 9 और बांकुरा की 4, झारग्राम की 4, पश्चिम मेदिनीपुर की 6 सीटों के अलावा पूर्वी मेदिनीपुर की अति महत्वपूर्ण 7 सीटें शामिल हैं, जो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। इन 30 जो सीट हैं, इस पर टीएमसी और भाजपा ने 29-29, जबकि वाम कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। और इसी बीच खबर है कि मतदान के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव पाया गया है। तो जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर आज जो लोग उत्साहित हैं, लोग पहुंच रहे हैं वहां पर मतदान करने के लिए, जिस तरीके से आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज चुनाव की गिनती बताया जा रहा है कि 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। हालांकि अब पहले चरण में चुनाव हो रहा है, जिसमें आपको बता दें कि लगातार लोग जा रहे हैं मतदान स्थल पर और वहां से आपको बता दें कि अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही थी, लगातार दौरे हो रहे थे और आचार संहिता में भी चल रही थी, और अब धीरे धीरे जो चुनाव का माहौल है वो आगे बढ़ता जा रहा है। जो उम्मीदवार हैं उनकी धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं, क्योंकि जो भी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं उनके भाग्य का फैसला अब जनता के हाथों में है। तो जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है, हालांकि ये तो नतीजे ही बताएंगे, क्योंकि नतीजे आने हैं उसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि नतीजे जब आएंगे तो आखिर देखना ये होगा कि किसके सर पर जो जनता है उसको अपना उम्मीदवार बनाती है, उसे मतलब विधानसभा में भेजती है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि ये चुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है, अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से खबर सामने आई है, क्योंकि
क्योंकि बंगाल में जैसे जैसे चुनाव होते हैं वैसे वैसे लगातार आपको बता दें कि हिंसात्मक घटनाएं भी सामने आई, क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी की रैली थी तो बीजेपी की रैली पर हमला भी हुआ था। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि हमारे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषज्ञ संदीप चौधरी जी जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज़ पर। संदीप जी, जिस तरीके से आज बंगाल में पहले चरण में मतदान हो रहा है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से जो उम्मीदवार उतरे हुए हैं, आज उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं तो जनता, और इसी बीच एक खबर ये भी सामने आई है कि एक बीजेपी नेता का शव मिला है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बंगाल चुनाव का माहौल बना हुआ था काफी टाइम से, और सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज थी, और इस बार बंगाल का चुनाव ऐसा चुनाव नहीं है जैसा हर बार देखने को मिलता है। इस बार टीएमसी यानी के ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री रही, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। और इधर आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी पूरे तरीके से टक्कर में है टीएमसी का रथ रोकने के लिए। और चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो, चाहे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी बात हो, या तमाम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो बंगाल में अपना डेरा डाले हुए हैं और पूरी ताकत लगाए हुए हैं, तो वहां के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, उनमें भी एक जोश है इस बार। तो अभी देखना होगा, जिस तरीके से एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस तरह का जो क्राइम है ये लगातार बंगाल में चलता रहा है। अभी इलेक्शन के दौर में है मामला बंगाल में, इसके अभी चल रहा है, इसके पहले भी ये चीजें लगातार होती रही है कि आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या हुई, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, और सुरक्षा बड़ा इशू है जिसको लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी है। बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाया कि हम आपको सुरक्षा देने का काम करेंगे। तो अभी आज प्रथम चरण का मतदान स्टार्ट हो चुका है, लोग लाइन में खड़े हैं, अपनी वोट कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा कि क्या बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं या बंगाल के लोग एक बार फिर से ममता बनर्जी पर अपना विश्वास जताते हैं। संदीप जी, जिस तरीके से एक नारा अभी काफ़ी तेजी से चल रहा है कि बंगाल में परिवर्तन होबे या खेला होबे, ये भी चल रहा है, तो जो जनता है आज पहली बार प्रथम चरण की वोटिंग हो रही है, तो क्या लगता है कि बंगाल में खेला होबे या परिवर्तन होबे? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, एक राजनीतिक स्टेटमेंट होते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है या दूसरी दल है जो ममता बनर्जी को हटाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, और ममता बनर्जी कहती हैं कि यहाँ पे खेल हो जाएगा, कोई भी आ जाए उसको हम लोग निपटा देंगे। तो ये चीजें एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, नेताओं की राजनीतिक जंग है जो एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, ये चीजें चलती रहती हैं। अलग अलग चुनाव में अलग अलग इस तरीके के सेंटेंस हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन चुनाव की हकीकत क्या है अभी उसके ऊपर हमें कुछ भी निष्कर्ष करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव आयोग की जो आचार संहिता उसके मुताबिक भी हम कुछ चीजें डिक्लेयर नहीं कर सकते टीवी चैनलों पर बैठ करके। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि दोनों तरफ से रस्साकसी जबरदस्त है। बीजेपी ने भी अपनी ताकत झोंक के रखी है और ममता बनर्जी ने भी अपनी ताकत झोंक के रखी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कई चरणों में चुनाव कराया जा रहा है, इसका मतलब चुनाव आयोग जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो भी अलर्ट पर है, और उन्होंने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव के दौरान कहीं ज्यादा हिंसा होंगी या इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। जिस तरीके से पहले हम देखते थे, पहले मतपेटियां लूट ली जाती थी, गोले बारूद बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था, शायद इस बार वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो जिस तरीके से संदीप जी, इस बार का चुनाव तो काफ़ी अहम माना जा रहा है। अगर पिछले दौर की बात करें, पीछे बीते चुनाव की बात करें जो बीत गया, उस चुनाव में जो कांटे की टक्कर थी, तो उसका और इस चुनाव को देखते हुए क्या इसमें दोनों में फर्क?
देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पूर्व में जो टक्कर थी ममता बनर्जी की वो लेफ्ट की सरकारों के साथ थी, लेफ्ट पार्टीज के साथ थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यकीन हो गया कि अगर हम यहाँ पे लोकसभा सीटें जीत सकते हैं तो हम यहाँ पे अपनी सरकारें भी बना सकते हैं। तो लोकसभा के बाद आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, अपने संगठन को मजबूत किया, जो टीएमसी के लीडर्स थे उनको अपने साथ मिलाया, दूसरे के बड़े लीडर्स को अपने साथ मिलाया, लगातार संगठन पर काम किया, लोगों के बीच में जाकर के काम किया और वहां के जो इश्यूज थे उनको उठाने का काम किया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव वहां पे आते अपने आप को वहां पे बहुत मजबूत कर लिया है और आज जो भी वहां का विपक्ष था उसको पछाड़ करके ममता बनर्जी के सामने मजबूत पार्टी के रूप में अगर कोई पार्टी खड़ी है जो ममता बनर्जी को हटाने का दम रखती है वो केवल और केवल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है। जी चलिए संदीप जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।